राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से यूपी के चार दिनों के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज शाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद राष्ट्रपति सावित्री बाई फूले बालिका हॉस्टल का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगी। राष्ट्रपति के कल के दौरे की अगर बात करें तो कल राष्ट्रपति लखनऊ के कैप्टन मनोज सैनिक स्कूल पहुंचेंगे, जहां वो डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करेंगे और इसके बाद राष्ट्रपति कल शाम संजय गांधी संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 28 अगस्त को राष्ट्रपति का गोरखपुर दौरा प्रस्तावित है, जहां वो गोरखनाथ महाविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर में राष्ट्रपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। यहां राष्ट्रपति का एक संबोधन भी होगा। अपने दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जहां रामकथा पार्क में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और इसके बाद राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद राष्ट्रपति लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां से वो वापस दिल्ली लौटेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये चार दिवसीय यूपी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। वो गोरखपुर भी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, वहां भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में भी उनका कार्यक्रम रखा गया है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 27 अगस्त को उनका कार्यक्रम किस तरीके से लखनऊ में रहने वाला है वो आपको बता रहे हैं। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी संकल्प दुबे जुड़ गए हैं, अयोध्या से मनमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले संकल्प, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज से चार दिवसीय दौरा राष्ट्रपति का शुरू हो रहा है, तैयारियां पूरी हो गई हैं, खुद व्यवस्थाओं को देखने के लिए, तैयारियों को देखने के लिए मुख्यमंत्री गए थे। जी बिल्कुल, क्योंकि बेहद अहम दौरा है राष्ट्रपति का दौरा जो है चार दिवसीय, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इसको लेकर के जो तैयारियां थी उसकी समीक्षा लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। कार्यक्रम स्थल का दौरा किया है और इसके साथ ही तमाम जिम्मेदार अफसरों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना हो पाए इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, चाहे वो रूट डाइवर्जन की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, जो जिस रूट से उनको राजभवन पहुंचना हो वहां के इंतजाम की बात हो, या फिर कार्यक्रम स्थल पर जो अलग अलग जिम्मेदारियां अफसरों को दी गई है उसको सुनिश्चित योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इसके साथ ही आपको 11 बजे एयरपोर्ट जब पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो वहां से जो रूट रहेगा उसको लेकर के जो किसी भी तरीके की बाधा ना रहे, जो डाइवर्जन्स किए जाने थे वो कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही संबंधित जिम्मेदार जो अफसर है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि राष्ट्रपति के रूट में और जो प्रोग्राम है, जो चूंकि तय प्रोग्राम है, बीबीए यूनिवर्सिटी भी जाना है, वहां पे दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और उसके बाद में राजभवन फिर वापसी होगी, तो ऐसे में आज के प्रोग्राम को लेकर किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो पाए। और सुरक्षा एजेंसियों को भी मुस्तैद किया गया, लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, चाहे ट्रैफिक डाइवर्जन की बात हो, और ये माना जा रहा है कि चप्पे चप्पे पे राजधानी के इस समय जो है वो निगाहें अब खुफिया एजेंसियों की लगातार है, वो अलर्ट मोड पे हैं। हालांकि राष्ट्रपति का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि वो अयोध्या जाएंगे और कहीं ना कहीं गोरखपुर में भी इस बार जो राष्ट्रपति का आगमन होने वाला है, तो ऐसे में तमाम कार्यक्रमों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे। आपके पास मनमीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, वहां पर स्वागत की किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, देश के पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो पहली बार अयोध्या आएंगे और अयोध्या में आके रामलला का दर्शन करेंगे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार जो है अयोध्या को बहुत सुंदर ढंग से सजा रही है। यहाँ पे राष्ट्रपति का भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है क्योंकि 29 अगस्त को 11:30 बजे के करीब प्रेसिडेंशियल ट्रेन से राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद रामकथा पार्क जाएंगे, रामकथा पार्क में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और इस दौरान जो अयोध्या रेलवे स्टेशन से रामकथा पार्क के बीच की दूरी है वहां पर 8 ऐसे मंच बनाए गए हैं जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति की झलक उस मंच से देखने को मिलेगी और एक भव्य स्वागत की तैयारी की जाएगी। मैं आपको एक कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जब अयोध्या आएंगे तो क्या क्या कार्यक्रम है। राष्ट्रपति जब अयोध्या आएंगे तो सबसे पहले जो रामकथा पार्क जाएंगे, रामकथा पार्क में जो रामायण कॉन्क्लेव है उसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा 3 बड़ी परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण करेंगे।
साथ अयोध्या के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, उस फिल्म को देखेंगे। मालिनी अवस्थी द्वारा जो है एक प्रस्तुतिकरण किया जाएगा जो समरसता के आधार पर आधारित है, जो रामायण सबरी गीत पर आधारित है। तो इस तरीके का ये जो है रामकथा पार्क का कार्यक्रम है। उसके बाद वहां से निकलकर राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां हनुमान जी का दर्शन करेंगे, और वहां से निकलकर सीधे राम जन्मभूमि जाएंगे। ये पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए राम जन्मभूमि को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जा रहा है। रामलला का दर्शन करेंगे और उसके साथ साथ जो मंदिर निर्माण हो रहा है उस मंदिर निर्माण की प्रगति को भी रामलला के दर्शन भी करेंगे और जो मंदिर निर्माण चल रहा है उसको भी देखने के लिए जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनमीत हमारे से जुड़ने के लिए, संकल्प आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।